हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से देखिए नए रिक्रूटमेंट आ चुकी है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से आपको जो है नए नए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। सिंस ये न्यू सेशन का जो है आगाज है, शुरुआत हो चुकी है इसकी, तो ऐसे में स्टार्टिंग में बहुत जगहों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आखिरी डेट इसका जो है वो 4 मार्च 2024 रखी गई है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट को एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट को देखने का क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्लेलिस्ट पे मैंने लगभग मुझे लग रहा है 20 वीडियो मैंने बना दी है रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो वहां से जाकर अगर आप देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहां कहां से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो चलिए, और कल जो है आपको एक APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सीधे मैं आपको जो है PDF की ओर लेकर चलता हूं। उससे पहले यहां से आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो, PM श्री जो है यहां से भी रिक्रूटमेंट की जो है सूचना, वो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं। 2/3/2024 को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा PGT में बायो टीचर का। आगे देख लो, TGT के लिए जो है इंग्लिश और मैथ्स टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स के लिए जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाने वाला है 2 मार्च को। 4 मार्च की बात करें तो स्पोर्ट्स कोच, स्पेशल एजुकेटर, बाल वाटिका टीचर, काउंसलर के लिए जो है रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और इसके लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। बाल वाटिका टीचर की बात करूँ तो NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अगर आपने करी है, याद रखिएगा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 1.5 साल का भी होता है, लेकिन अगर आप 2 साल का नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका काम नहीं बनेगा। तो 2 ईयर्स का जो है NTT होना जरूरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए देखिए क्या है, DLED वगैरह से जो है आपने अगर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का किया है या फिर BEd भी किया है तो आपका काम बन जाएगा। और काउंसलर के लिए साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए ऑनलाइन खुद से कैसे जाकर देख सकते हो, तो यहां से देख लो, ये वेबसाइट है crpfranchi.kbs.ac.in पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। यहां से देखो, ये ऑफिशियल PDF भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, रांची से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, यहां से आप चीजों को देख भी सकते हो। अब देखिए, ये बायोडाटा फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जाकर बायोडाटा फॉर्म भर लें, और 10 बजे स्कूल में पहुँचना है आपको, साथ में बायोडाटा फॉर्म लाना है। आपका 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो PG तक का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा BEd का या फिर DLED जो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, BEd का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मार्कशीट होना जरूरी है, CTET का पेपर 1-2 जो भी आपके रिगार्डिंग है वो भी आपका जो है यहाँ पे होना जरूरी है। साथ में नए पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी आपका जो है यहाँ पे लिया जाएगा। तो मेक श्योर आप पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आओ, और 10th से लेकर 12th तक के या फिर ग्रेजुएशन तक के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो प्लीज इन चीजों को कर लें तभी यहां पे जाए। आने वाले समय में और भी अलग अलग जगहों से रिक्रूटमेंट आएगी, उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से मैं देता रहूंगा। और कल जो है आपको एक आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक साझा करें, उन तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को किसी एजुकेशनल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।